चैनल आज लेकर आए एक नया एक्सक्लूसिव कंटेंट। हमारे पीछे लगा हुआ है 2022 बोल लो या फिर न्यू जनरेशन का KTM RC 200 बोल लो, उस पर आज हम लोग 1000 लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं और बिना कोई फेयरिंग खोले बिना कुछ किए ये वाला इंस्टॉलेशन होगा। मतलब आपको वीडियो में सब पता चल जाएगा कैसे क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि इसका प्रोसेस मैं बोलूँगा पहली बार हो रहा है इस वाली RC का, क्योंकि इसका कंप्लीट फेयरिंग वगैरह खोलना पड़ता है अगर इसमें आपको कुछ लगाना है तो, लेकिन फेयरिंग वगैरह नहीं खुलेगा ऐसा यहाँ का कहना है। तो चलो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में देखो आगे क्या होता है, क्या क्या काटे हैं। तो इसको तार निकाले कैसे, टाने बाहर क्या? हाँ, कॉर्ड निकाले, कॉर्ड निकाले, उसके बाद उसको निकाल के एको को इंडिकेटर का जोड़ दिए। हाँ, और अर्थिन इसका दे दिए, मतलब कि जो वाला हम लगवाए तो वैसी वाला है। हाँ, ये लाइन है खड़ी, देखो डायरेक्ट लाइन इसमें है ना। हाँ, इससे को स्विच में दे देंगे और स्विच से फिर स्विच दबाएंगे, बिना फेयरिंग खोले काम हो गया। हाँ, बिना खोले हो गया। अगर फेयरिंग खोलते कितनी देरी लगता? एक से दो घंटा। तो हाथ वाथ डाल के आराम से कर दिए ना। तो कॉर्ड पता कैसे चला, कौन सा कॉर्ड ऊपर से पता चला गया? हाँ, इससे टेस्टिंग की। किससे टेस्ट की? कौन वाला लाइट से टेस्ट किया? कौन सा लाइट टेस्टिंग की तब पता चला? मतलब इससे टेस्ट किए, ऊपर डाल वाल कर और उसके बाद ही पता चला। चलो नीचे दिखाना, नीचे कौन सा तार काटे जरा बताइएगा, वो क्या चीज का तार था? इंडिकेटर वाला है ये दोनों इंडिकेटर वाला है। दोनों इंडिकेटर का इसका अर्थीने को दे दिए। ठीक, मतलब इसमें झमेला है, पूरा फेयरिंग खोलना पड़ेगा। फेयरिंग बिना खोले हो गया, हार्ड मिस्त्री। तो बिना फेयरिंग खोले इसका 1000 लाइट वगैरह हो गया। जो क्या किए, इसका इंडिकेटर तार को बस छीले ना, इंडिकेटर तार को मतलब अंदर से निकाल के थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रब किया गया, मतलब छीला गया। उसके बाद उसमें 1000 यूनिट लग के 1000 लाइट लगा, अभी उस पर स्विच लगा रहे हैं। तो काफ़ी मतलब कि समझ जाओ बाहर से कोई काम नहीं करना पड़ा, कोई आपको इसका बॉडी वगैरह खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये काम बहुत ही शार्पली किया गया मैं बोलूँगा, क्योंकि एक घंटे पहले मैं देख के गया तो कह रहे थे कि शायद बॉडी खोलना पड़ेगा 1000 लगाने के लिए, बट एज सच वैसा कुछ नहीं करना पड़ा। जस्ट आपको नीचे में जो दो तार है उसको काट कर जोड़ा और ये वाला एक तार निकला हुआ है जिसमें अभी स्विच जुड़ेगा। मतलब उसी तरह की है कि जैसे मेरा गाड़ी के छीले थे। आपका गाड़ी के थे। आप इतना अंदर में किए ना, किसी को समझ में नहीं आया कैसे क्या हुआ। आप थे ही ना? अरे तो हम गए हुए थे थोड़ा। कहाँ पे लगाइएगा स्विच? स्विच लग गया ऊपर में लगा, सही जगह लगा दी, परफेक्ट जगह लगा दिए। छेद वेद नहीं, छेद वेद कुछ नहीं, ना छेद करना है ना कुछ करना है, नया गाड़ी है। रुकिए अभी काटिएगा, नहीं काटिएगा नहीं, करिए वो चेंज करिए, पैटर्न चेंज करिए। तुम लोग हटे या तीनों हटे या? दो एकदम। ओ ये रहा पैटर्न, ये मेरा भी लगाया था। हां हैं वही वाला पैटर्न। हां हां, लेकिन ये अलग आया था अभी थोड़ा, देखे और कौन कौन सा। कौन उठा ले फिर इधर। हेलो इधर इधर। तो स्विच वगैरह सब यहाँ पे लगा और बाकी पैटर्न वगैरह तो आप लोगों ने देखा ही, और सारा इसका जो कॉर्ड वगैरह है वो आपका नीचे लगा। ए लाइट दिखाना इसमें, नंबर लाइट दिखा। नीचे तार वार सटेगा नहीं ना नीचे, देखो यहाँ ये वाला तार है ना, देखो ये वाला तार है ना। तो मतलब ये हो गया इसका स्विच का तार है, और कुछ तार तो नीचे सटेगा नहीं ना। सटेगा तो फिर जिसका गाड़ी उसका हार्ट फेल हो जाएगा।
तो भाई दोनों में हजार्ड वर्क हुआ था। ये वाला मैंने पहले कराया था जो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, और अभी इसमें हुआ है तो मैं बोलूँगा ये वाला थोड़ा सा एक्सक्लूसिव कंटेंट है, क्योंकि अभी तक इस वाली बाइक, क्योंकि ये बाइक अभी न्यू है, तो मेरे ख्याल से, ऐसा मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, इस पर किसी ने कराया होगा। अगर कराया तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, नो डाउट कुछ वैसा किसी से नहीं है मेरा भाई कि मैंने पहला कराया तुमने पहला कराया। बाकी बात इस पर देखोगे तो इसका हजार लाइट वगैरह लगाने के लिए कुछ बॉडी वगैरह खोलना नहीं पड़ा, जस्ट आपका नीचे से तार वार निकाल कर और काट कर। ए ये वाला झूल रहा है, कहाँ गया ये वाला? रिले झूल रहा है, इसको बांधो ना। रिले झूल रहा है रे, इसको तुम दिया था? इसको बांधो। इसको बांध दिए थे? नहीं बांधा। बांधे कहाँ थे? इसको इसको उसको उसको बांधो सही से। और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है इसका हजार्ड। पीछे से देखो भाई उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि पीछे आपके इंडिकेटर है दोनों में, मेरी बाइक में भी और उसमें भी। मेरी बाइक का तो वहाँ पर रेड लाइट भी जल रहा है, और इसका आगे में फेयरिंग में ही आपको दिखेगा आपका जो लाइट है इंडिकेटर वाला, वो आपको फेयरिंग में ही है, तो वो देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। बाकी नो डाउट इसका फेस काफ़ी सही लग रहा है। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आप लोग को अगर कोई कंपैरिजन चाहिए उस वाली आरसी का, पुरानी वाली आरसी से, या फिर कोई ड्रैग रेस रिगार्डिंग, तो हम लोग सब कुछ ट्राई करेंगे। और अभी कमेंट सेक्शन में बताओ अभी आप लोग को इसका वर्क कैसा लगा, मतलब कितना 10-15 पैटर्न हो गए इसका अभी? उसको बंद कर दिए। हाँ उसको बंद कर दिए, 10-15 पैटर्न होगा इसका भी। जाओ तुम डिलीवर कर दो इसका। तो होपफुली गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, इसका हजार लाइट का वर्क कुछ थोड़ा सा एक्सक्लूसिव था, इसीलिए हम लोगों ने इस पर वीडियो बनाया और तुरंत बनाया। मैं बोलूँगा इससे पहले कोई करवाया है क्या इस पर? ये तो पहला बाइक, ये तो मतलब ये नया बाइक है जिसका वीडियो उतना नहीं निकला अभी। तो अगर आप लोग को भी करवाना, क्या करना पड़ेगा, बस इंडिकेटर का तार को जोड़ना होगा ना। आप लोगों को भी अगर करवाना है तो इंडिकेटर वगैरह तार जोड़ो, उसके बाद छीलो उसको। खैर कोई नहीं, वीडियो हम लोग आप लोग को कंप्लीट बता दिए। चलिए वीडियो अब करते हैं एंड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उसका क्या रिले का गारंटी कितना है? 6 महीना दे देगा। मेरा वाला तो यूज़ हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। रिले वगैरह शिप हो जाएगा अगर कोई हजार्ड करवाए तो। चलो ऐसे ये भी तो लोकल ही है, कोई ब्रांड वैसा नहीं है, मॉक्सी का है ना, उसमें भी मॉक्सी, इसमें भी मॉक्सी लगा हुआ है ना। चलो वीडियो अपन लोग करते हैं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।